किसी यदि असुविधा हुए कौन स्टडी मटेरियल दरकार हुए कहीपर एवं आम प्रत्येक क्लास पीडीएफ पीपीटी पाइबापी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु और अपकमिंग क्लास आम सहित जोड़ी हो जातु आम टेलीग्राम चैनल बी एस स्मार्ट एकेडमी फॉर एनएमएस स्पेशल ग्रुप। तो आज आम स्टार्ट करवा एनएमएस गोटे आदर्श प्रश्न उत्तर द स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एसएटी आम एमएटी और एसएटी दुटा पार्ट अच्छी आम प्रीवियस जो ओवरऑल डिस्कशन थिला एनएमएस पाई जो नोटिफिकेशन रिलेटेड से तुम देखिपर जे एमएटी कौन एसएटी कौन। तो आम आज देखा एसएटी एनएमएस एग्जाम पाई तुम 90 मार्क्स पड़ो एसएटी रु। तो फास्ट क्वेश्चन देखा आम जो तीन टा पार्ट कराई साइंस मैथमेटिक्स सोशल साइंस। तो आम फास्ट देखा साइंस साइंस को तुम आना 35 क्वेश्चन ये अच्छी जो मॉडल सेट रे। तो फास्ट क्वेश्चन देखा लेट्स स्टार्ट। एक पोखरी रे थिबा जलर परिमाण 25 डिग्री सेल्सियस हेले सेई जलर तापमात्रा फारेनहाइट स्केल रे केते हेबो माने समस्त जानिथिबो जे फारेनहाइट और सेल्सियस मध्ये रा संपर्क कौन ना सी इनटू 9/5 टोटल होल ब्रैकेट रहइबो हमरा प्लस 32 इज इक्वल टू कौन ना फारेनहाइट। तो सेल्सियस इनटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू फारेनहाइट। तो आमर एठी सेल्सियस केते देछि तमरा आमर एठी देछि 25 डिग्री सेल्सियस। तमर फार्मूला अनुसार 25 इनटू 9/5 प्लस 32 तमर 5 रे कैंसिल आउट करले हबो 25 को केते ना 5 5 इनटू 9 हबो 45 45 प्लस 32 इज इक्वल टू 77 डिग्री फारेनहाइट। हमरा ऑप्शन बी होची हमरा राइट आंसर। ऑप्शन बी होची हमरा करेक्ट आंसर एक नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कौन दिया है प्रश्न कि माछर केउ अंश ताकु श्वास क्रिया रे सहाय्य करे। ऑप्शन दे छी लांज पक्ष वायु फुलका डी हला गालिसी। तो समस्त जानिथियो माछर केउ अंश ताकु श्वास क्रिया रे सहाय्य करे ना ऑप्शन डी गालिसी। तापर देखिबा थर्ड क्वेश्चन हमर उर्वर माटी रो ऊपर स्तर रे कोन थाए। ऑप्शन ए पत्थर बी गोड़ी सी बाली डी हला ह्यूमस। तो हमर उर्वर माटी रो ऊपर स्तर रे कोन थाए ना ह्यूमस थाए। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। तापर दिया आइछि 4 नंबर क्वेश्चन केउ उक्ति टी भूल। तर हमर 4टा वाक्य दिया आइछि सेतर केउ उक्ति टी हमर भूल खोजिबार अछि। उद्भिदर चेरले असंख्य स्तोम थाए बी दला प्रश्वास बले बक्ष्य गोर फुली जाय थाए सी दला शास्त्रक्रिया पे माछर गाली अछि कठिन परिश्रम बेले जने लोकर निश्वास प्रश्वासर हार बढ़ी जाए। तो ऑप्शन बी देखिबा हमें प्रश्वास बेले बक्ष्यकर फुली जाय थाए हाँ फुली जाय थाए तले ऑप्शन बी हमरा कोन अछि ना ठीक अछि श्वासक्रिया पे माछर गाली अछि। ऑप्शन सी मध्ये ठीक अछि। ऑप्शन डी देखिबा कठिन परिश्रम बेले जने लोकर निश्वास प्रश्वासर हार बढ़ी जाए तमे तो दौड़ी कि किछि काम करथो देखिबा तले तमरो निश्वास प्रश्वास रे हार अधिक बढ़ी जाए बा जोर जोर निश्वास प्रश्वास नवाक लगी था। तापर आम बाकी रहा कि ऑप्शन ए उद्भिदर चेर रे असंख्य स्तोम थाए। उद्भिदर चेर रे असंख्य स्तोम न थाए उद्भिदर पत्र रे असंख्य स्तोम थाए। ताले आमर 4 नंबर जो के उक्ति भूल दे तो कौटी हम ना ऑप्शन ए आमर हम ठीक उत्तर बा के उक्ति भूल ना ऑप्शन जो ए दे उद्भिदर चेर रे असंख्य स्तोम थाए से उक्ति होची भूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 5 नंबर क्वेश्चन जलरेणु द्वारा किए वंश विस्तार करे। पेनसिलिन शैवाल बा कवक। ऑप्शन सी ईस्ट। ऑप्शन डी स्पाइरोकाइरा। तो जलरेणु द्वारा किए वंश विस्तार करे ना ऑप्शन बी शैवाल बा कवक। तापर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन एक्स एक कठिन मौलिक मात्र एक धातु नुहे एवं मध्य अधातु नुहे एक्स मध्य भूतकरे उपलब्ध हुए तेबे एक्स टी केउं पदार्थ सिलिकॉन आर्सेनिक टेलुरियम पोलोनियम। तो आमर
के धातु नुहे कि अधातु नुहे सी कौन है ना आम कौन ना उपधातु एवं सी कौन ना भूतक उपलब्ध ताले आमर एही ऑप्शन अनुसार आमर कोटा हबो ना आमर ऑप्शन ए हबो सिलिकॉन होची राइट आंसर ताले एक्स केउ पदार्थ सिलिकॉन एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिजे 7 नंबर क्वेश्चन तृतीय द्रवण रे लोहा कंटा पकाइले किछि समय परे या सबुज वर्ण होई जाय एही प्रतिक्रिया को निम्नोक्त केउ समीकरण द्वारा सूचा जाय पारिबो त हमरा ऑप्शन ए देला FeSO4 + Fe ताले Fe2SO4 तब दिला CuSO4 plus Fe, FeSO4 plus Cu, 3CuSO4 plus 2Fe, Fe2SO4 plus 3Cu, MgSO4 plus Fe gives to FeSO4 plus Mg. तो ये तृतीय द्रवण में लोहा कंटा पकेले आमर के रिएक्शन टी देखिया को मिले आ किस समय पर सबुज वर्ण हो जाए नाम जो ऑप्शन बी अछि CuSO4 plus Fe gives to FeSO4 प्लस यू एटा होची करेक्ट आंसर जो तृतीय द्रवण लोहा कंटा पकेले किछ समय पर जो सबुज वर्ण हो जाए एही प्रतिक्रियाटा हमक सूचिया पे एही समीकरण आवश्यक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 7 नंबर क्वेश्चन ना तापर देखल 8 नंबर क्वेश्चन सियार पेट गैस हो जाइची तार निम्नत केउ पदार्थ दी आवश्यक फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल कालामिन द्रवण कति अम्ल त हमर पेटर गैस केते बले हुए ना जेते बले हमर पेटर अम्ल परिमाण कौन हुए ना बढ़ी जाए तो अम्ल को आम कौन करा पड़ो ना कमे पड़ो तो कमे कौन व्यवहार करवा ना प्रति अम्ल व्यवहार करवा तो ऑप्शन सी हम कौन ना राइट आंसर तार पेट गैस हो जाए के पदार्थ आवश्यक के पदार्थ आवश्यक ना प्रति अम्ल आवश्यक तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर तेरे 9 नंबर क्वेश्चन को देखा सबुठार उन्नत मान पशम केउं देश मेंढालोम मिले तो ऑप्शन ए देला तिब्बत तापर हला चीन तापर भारत तापर हला न्यूजीलैंड तो सबुठार उन्नत मान पशम आमर न्यूजीलैंड रे ही मिली थाए पशम जोटा मेंढालोम प्रस्तुत हुए तापर 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा केउंटीर परजीवी पोषण थाए निर्मूली लता ऑप्शन ए हला निर्मूली लता बी हला लाइकेन सी हला छतु डी हला शैवाल तो आमर परजीवी पोषण बा अन्य उपर निर्भर करके जो पोषण करा जाए सी होची परजीवी पोषण येला किए निर्मूली लता तो निर्मूली लता रे परजीवी पोषण थाए ऑप्शन ए होची राइट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन न एबे 11 नंबर क्वेश्चन देखिबा जीव मानकर हाराहारी बेगर वृद्धि कम रे केम क्रमटी ठीक चिल चिताबाघ तिमी माछ ठेकुआ येला ऑप्शन ए ऑप्शन बी हैला ठेकुआ चिल मनीष चिताबाघ ऑप्शन सी हैला मनीष ठेकुआ चिताबाघ चिल ऑप्शन डी हैला गेंडा गुंडुची मूसा कईछ चुटिया मूसा तो ऑप्शन सी देखंतु ते जीवन का हाराहारी बेगर वृद्धि अनुसार तो वृद्धि आम अनुसार प्रथम रोज सब स्लो किए रोच ना मनीष तापर रोज किए ना ठेकुआ तापर रोज चिताबाघ तापर रोज चिल तो जीवन का हाराहारी बेगर वृद्धि अनुसार ऑप्शन सी जो क्रमटा दे मनीष ठेकुआ चिताबाघ चिल ए क्रमटी हूँ ठीक तो 11 नंबर क्वेश्चन आंसर हूँ ऑप्शन सी तापर देखिबा 12 नंबर क्वेश्चन दोलक घड़ी केउं वैज्ञानिक आविष्कार करथिले ऑप्शन ए गैलीलियो ऑप्शन बी लुई गाल्वानी ऑप्शन सी एम्पियर ऑप्शन डी मार्कोनी तो हमारा दोलक घड़ी किए केउं वैज्ञानिक आविष्कार करथिले ना वैज्ञानिक गैलीलियो आविष्कार करथिले दोलक घड़ी एबे देखिबा 13 नंबर क्वेश्चन दुईटी अनंत दर्पण मध्यरे कोणर परिमाण केते हेले प्रतिबिंब संख्या कौन हम ना 11 हम तुम जो अष्टम श्रेणी आलोक चैप्टर रे अनंत दर्पण रिलेटेड जो सूत्र दिखाई से सूत्र को फॉलो कर तुम जापर जे दुईटी अनंत दर्पण मध्य परिमाण केते हेले हम ना कोण परिमाण 30 डिग्री हेले प्रतिबिंब संख्या 11 हेबो तापर आसला हमर 14 नंबर क्वेश्चन विश्व जल दिवस केबे पालन करा जाए नवंबर 7 अगस्त 5 मार्च 22 जुलाई मास प्रथम सप्ताह तो विश्व जल दिवस हमर पालन करा जाए केबे ना मार्च 22 तारीख वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22 तारीख विश्व जल दिवस पालन करा जाए तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिबा वर्तमान आम देश रे शतकड़ा केते भाग स्थल भाग रे जंगल रहिछि तो 14 भाग 12 भाग 22 भाग 17 भाग तो आम देश शतकड़ा वर्तमान केते भाग
स्थल भाग जंगल अच्छी ना 22 भाग अंचल कौन अच्छी ना जंगल अच्छी तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। तो 16 नंबर क्वेश्चन जीव मान हाराहारी बेगर वृद्धि क्रम क्यों क्रम ठीक ये क्वेश्चन अलरेडी रिपीट होती तो हम आम ऑप्शन सी जो मनीष ठेकुआ चिताभाग आ चिल तापर दोलक घड़ी के वैज्ञानिक आविष्कार करता रिपीट होती तुमको आउ थे मन पकईदेवाई तुम ये इंपोर्टाट क्वेश्चन होती तुमको से आउ थर प्राक्ट करूँ दीथर दे क्वेश्चन टाक तो दोलक घड़ी हूँ वैज्ञानिक गैलीलियो दुईट आनंद दर्पण मध्य कोणर परिमाण के प्रतिम्ब संख्या 11 हे यहाँ हूँ अलरेडी कर सारी 35 डिग्री हेले आ विश्व जल दिवस केबे पालन करा जाए ना मार्च 22 तारीख आउ थे रिकॉल कर दूची वर्तमान आम देश में शतकड़ा केते भाग स्थल भाग जंगल रही ना 22 भाग जंगल रही तो ये देखिए आम 21 नंबर क्वेश्चन ये आम किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट कर 21 नंबर है शिक्षार आलोक प्रदानकारी मंडल टी किए तो दीप्तिहीन मंडल दीप्तिमान मंडल अति दीप्त मंडल कौन सी नुहे तो शिक्षार आलोक प्रदानकारी मंडल टी किए ना दीप्तिमान मंडल जोटा कि आम शिक्षार मिडिल पॉइंट था केन्द्रांचल कहा जाए। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखा पचमारी जैव मंडल केउटी एक स्थानिक उद्भिद बणुआ आंब ग लुणा उद्भिद हेताल गच कमंडल गच तो आम पचमारी जैव मंडल बणुआ आंब ग कौन एक स्थानिक उद्भिद एवं देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आम शरीर क्यों कोष गुड़िक दीर्घ और दुई प्रांत गुड़िक गोजिया रक्तकोष पेशीकोष स्नायुकोष अस्थिकोष तो यहाँ हूँ आम पेशीकोष हूँ कौन ना दीर्घकोष एवं दुई प्रांत आड़ को गोजिया। तापर आम 24 नंबर क्वेश्चन विश्वर प्रथम सफल स्तन्यपायी प्रतिरूप किए ऑप्शन ए डॉली मेंडी ऑप्शन बी स्कॉटिश ब्लैकफेस ऑप्शन सी लुईस ब्राउन ऑप्शन डी विलमुट तो आम विश्वर प्रथम सफल स्तन्यपायी प्रतिरूप किए ना डॉली जे कि गोटे मेंढा। तापर आसला आम 25 नंबर क्वेश्चन एक्स गुणसूत्र शुक्राणु और डिंबाणु मिलन में कौन सृष्टि हुए एक्स गुणसूत्र शुक्राणु और डिंबाणु मिलन में आम जमज संतान पुत्र संतान कन्या संतान गर्भवती ऑप्शन देती तो आम ऑप्शन सी एक्स गुणसूत्र शुक्राणु और डिंबाणु कौन सृष्टि हुए ना कन्या संतान सृष्टि हुए जदि पचार था जे एक्स गुणसूत्र सरी वाई गुणसूत्र शुक्राणु और एक्स गुणसूत्र डिंबाणु कौन सृष्टि हुए से आम होता कौन ना पुत्र संतान जेहतु आम दीटा एक्स अच्छी तो आम तार मिलन में कौन सृष्टि हम ना कन्या संतान सृष्टि हम एवं देखिए 26 नंबर क्वेश्चन अम्लीकृत जल में विद्युत प्रवाह करी क्यों वैज्ञानिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई ऑप्शन ए विलियम निकोलसन ऑप्शन बी कैवेंडिश ऑप्शन सी मैडम क्यूरी ऑप्शन डी साइमन ओम तो अम्लीकृत जल में विद्युत प्रवाह करी जो वैज्ञानिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई नाम हूँ कौन ना विलियम निकोलसन। तापर आसला 27 नंबर क्वेश्चन एक काच दंड को छोट रेशम कपड़े घसिले दंड कपड़ा उभय चार्जुक्त ग्रहण करती दंड टीयुक्त भाव कपड़ा टी विजुक्त भाव चार्जित हुए दंड टी विजुक्त भाव कपड़ा टी युक्त भाव चार्जित हुए दंड कपड़ा उभय विजुक्त चार्ज ग्रहण करती तो ये आम हम कौन जो आम काच दंड गोटे छोट रेशम कपड़े घस तो दंड टी कौन हो युक्त भाव चार्ज हो कपड़ा टी विजुक्त भाव चार्जित हो तो ऑप्शन बी हूँ आम राइट आंसर। एवं देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्यों जीवर चक्षुगुड़िक बड़ आकार एगुड़िक हजार हजार संख्यार छोट छोट चक्षुर समाहार ऑप्शन ए पेचा ऑप्शन बी बादुड़ी ऑप्शन सी चिल ऑप्शन डी प्रजाति तो क्यों जीवर चक्षुगुड़िक बड़ आकार एगुड़िक हजार हजार संख्यार छोट चक्षुर समाहार तो आम प्रजापतिर चक्षुगुड़िक बड़ आकार हजार हजार संख्यार छोट छोट चक्षुर समाहार। तापर आम आसला 29 नंबर क्वेश्चन प्रथम क्यों भारतीय चंद्रपृष्ठ में पाद देते एडविन आल्ड्रिन माइकल कलिन्स नील आर्मस्ट्रांग वालेंटिना तेरेस्कोवा तो आम प्रथम क्यों भारतीय चंद्रपृष्ठ में पाद देते नील आर्मस्ट्रांग। आसला 30 नंबर क्वेश्चन 4 केजी वस्तुत्व विशिष्ट एक वस्तु को भूपृष्ठ ठार 5 मीटर उच्चता रखिले निहित स्थित शक्तिर परिमाण केते हम तो स्थित शक्तिर फर्मूला आम कौन ना एम जी एच ये आम स्थित शक्तिर फर्मूला तो आम स्थित शक्ति आम कम एम हूँ मास मान ओजन आम दे 4 गुणन जी है ग्राविटेशनल फोर्स माध्यम बल तो 9.8
देन हमारे एज बा हाइट बा उच्चता भूपृष्ठ 5 मीटर उच्चता रे तो 5 से तो गुण जला में पाया कते 196 जूल तो हमरा ऑप्शन ए होची राइट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन दे स्थितीय शक्ति एतला आपन को पचारितो तो आपन कोन करिवे ना एमजीएच फार्मूला ओके प्रश्न समाधान करि परिबे तो एबे देखि हमरा 31 नंबर क्वेश्चन केउ बल रे कारक ओ वस्तुत्व मध्य रे स्पर्श न करी मध्य समान के मध्य आंतरक्रिया घटी पारे घर्षण बल मांसपेशीय बल टणा आउ चुंबकीय बल तो हमर घर्षण बल रे कारक ओ वस्तु मध्य स्पर्श न करी मध्य समान के मध्य आंतरक्रिया घटी पारे तो ऑप्शन ए होची राइट आंसर सॉरी जो क्यों बल रे कारक ओ वस्तु मध्य स्पर्श न करी मध्य आंतरक्रिया घटी पारे आंतरक्रिया स्पर्श न करी तो सेटा हो कोन हमर चुंबकीय बल ऑप्शन ए नु है हमर ऑप्शन ए होची भूल उत्तर तो ऑप्शन डी होची हमर ठीक उत्तर जे कारक ओ वस्तु मध्य स्पर्श न करी चुंबकीय बल रे आंतरक्रिया घटी पारे अपन देखते दुई चुंबक को यदि टिके दूर रखत मध्य तहन स्पर्श न करी मध्य ताका मध्य रे प्रतिक्रिया चलिथिबा बा आंतरक्रिया घटी पारिबो एवं से परस्पर को आकर्षित करी स्पर्श कई पारे तो हमारा ऑप्शन डी है चुंबकीय बल जोटा कि आम स्पर्श नक आंतरक्रिया घटी पारे तो ये देखिए आम 32 नंबर क्वेश्चन केउ उक्ति भूल मानक तापमात्रा एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल विशिष्ट स्थान उपर वायु ओजन एक के जी तापर ऑप्शन बी देला भूपृष्ठ रूपए 1000 किलोमीटर उच्चता पर्यंत वायुमंडल अच्छी सी है मानक तापमात्रा 4 डिग्री सेल्सियस डी है आम ओजन एक प्रकार बल तो क्यों उत्तर भूल ऑप्शन ए मानक तापमात्रा गोटे वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल विशिष्ट स्थान उपर वायु ओजन एक के जी यहाँ ठीक अच्छे तो भूपृष्ठर प्राय 1000 किलोमीटर उच्चता पर्यटन वायुमंडल ए उत्तर मध्य ठीक अच्छे मानक तापमात्रा 4 डिग्री सेल्सियस ए उत्तर कौन अच्छी ना भूल अच्छे तो आमको पचारिछि कौन ना आमको पचारिछि जे क्यों उत्तर भूल तो आम ऑप्शन डी ओजन एक प्रकार बल ए उत्तर मध्य ठीक तो आम क्यों उत्तर भूल आम पाइले ना ऑप्शन सी मानक तापमात्रा 4 डिग्री सेल्सियस ए उत्तर आम भूल तो ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन प्रवाह घर्षण निम्नस्थ क्यों कारक ऊपर निर्भर करे नाही वस्तुर सांद्रता प्रवाह मध्य वस्तुर वेग वस्तुर आकृति प्रवाहर प्रकृति बा धर्म तो क्योंटि निर्भर करे नाही प्रवाह मध्य वस्तुर वेग उपरे प्रवाह घर्षण निर्भर करे वस्तुर आकृति उपरे भी प्रवाह घर्षण निर्भर करे आ प्रवाहर प्रकृति बा धर्म उपरे मध्य प्रवाह घर्षण निर्भर करे तो क्योंटि निर्भर करे नाही प्रवाह घर्षण ना वस्तुर सांद्रता उपरे प्रवाह घर्षण कौन करे नाही निर्भर करे नाही तो हमर ऑप्शन ए जे पचाछि केउटि करे नाही तेनु हमर ऑप्शन ए हबो कोन राइट आंसर जे वस्तुर सांद्रता उपरे प्रवाह घर्षण निर्भर करे नाही तो एबे हम देखिबा 34 नंबर क्वेश्चन मानवर साव्य परिसर केते तो मानवर साव्य परिसर होउछि ऑप्शन ए देला 20 हर्ज रु कम 20 हर्ज रु 20000 हर्ज 20000 हर्ज रु बेसी 19 नुहे तो आम ऑप्शन बी मानव साव्य परिसर 20 हर्ज रु 20000 हर्ज तो एबे देखिए 35 नंबर गोटे मशा तार डेणा द्वारा 1 सेकेंड रे 200 थर कंपन सृष्टि करे तेबे तार आवर्त काल केते तमरा आवर्त काल कहले कोन बुझछ ना गोटे बा थरे कंपन करिया को जते समय लागे सेटा होची हमर आवर्त काल बा थरे पूर्ण दोलन करिया को जते समय लागे सेटा होची हमर आवर्त काल एठी दैछि कोन ना 200 थर 200 टाइम्स हो पे केते सेकंड लागछि ना गोटे सेकंड ताले हमर थरे हो पे केते सेकंड लागिवो ना 101/200 सेकेंड तो 1/200 आम कैलकुलेशन कर दिले पाइब के 0.005 सेकेंड तो हमारा आंसर हो ना ऑप्शन सी 0.005 सेकेंड ऑप्शन सी हो राइट आंसर तो तार 200 थर कंपन सृष्टि कले 1 सेकेंड रे तो तार आवर्त काल के 0.005 सेकेंड तो ये आम सरी जा एनएमएस एसएटी रही जो आम प्राक्ट सेट करते तार साइंस पार्ट सरी जा तो नेक्स्ट आम देखा सोशल साइंस पार्ट तो ये आम फास्ट पार्ट साइंस पार्ट डिस्कसन जदि एसी डाउट थाए तो आमको आम कमेंट सेक्शन में पचारे और सहित ये क्लास पीडीएफ एवं क्लास अपकमिंग क्लास लिंक
एवं किसी स्टडी मटेरियल पाया पे हम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन होई जिवे जदी आज रा क्लास आपन मन को भल लागी थाए त हम चैनल बीएस स्मार्ट एकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।